सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं शुभम, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं ऑल टाइम स्पोर्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले T20 मैच के बारे में। दोस्तों, कैसा रहा है मैच, बिल्कुल पूरा विश्लेषण करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉस जीता रोहित शर्मा ने और टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, टीम इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी हुई क्योंकि तीसरी ही गेंद पे भुवनेश्वर कुमार ने डैन मिचेल को आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया उनको, और दोस्तों टीम इंडिया ने पहला ही विकेट बहुत जल्दी ले लिया। उसके बाद दोस्तों मार्क चैपमैन खेलने आए गप्टिल के साथ, उन्होंने बहुत शानदार साझेदारी करी, दोनों ने अपने अर्धशतक बना लिया और दोनों के बीच में 109 रन की बहुत बड़ी साझेदारी हो गई। और उसके बाद उस साझेदारी को अश्विन ने तोड़ा जब मार्क चैपमैन को उन्होंने बोल्ड कर दिया और 110 पे न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा। उसके बाद गप्टिल भी कुछ रन बना के आउट हो गए 70 रन के स्कोर पे, दीपक चहर ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद दोस्तों किसी भी बल्लेबाज ने कुछ खास रन नहीं बनाए और पूरी न्यूजीलैंड की टीम की इनिंग समाप्त हो गई। न्यूजीलैंड ने बनाए 164 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, टीम इंडिया को 165 रन का लक्ष्य मिला 20 ओवर में। टीम इंडिया की शुरुआत ही बहुत अच्छी है, 50 रन की साझेदारी हुई केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच में। उसके बाद केएल राहुल एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिचेल सैंडन की गेंद पे आउट हो गए और टीम इंडिया को 50 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। देन आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी, 59 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच में और रोहित शर्मा उसके बाद आउट हो गए 48 रन के स्कोर पर, ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव टिके रहे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखा और एक शानदार अर्धशतक बनाया और टीम इंडिया को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया। उसके बाद दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर दिया और मैच में एक रोमांच आ गया। उसके बाद श्रेयस आया और जो कि संघर्ष कर रहे थे वो भी आउट हो गए टिम साउदी की गेंद पर। देन टीम इंडिया को चाहिए था आखिरी ओवर में 10 रन और डैरन मिचेल गेंदबाज थे, पहली गेंद वाइड हो गई। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, जिनका यह पहला T20 मैच था अंतर्राष्ट्रीय करियर का, इनफैक्ट उनका यह अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला ही मैच था और उन्होंने पहली गेंद पर चौका मार दिया। टीम इंडिया को अब चाहिए थे 5 गेंद पे 5 रन, जो कि बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अगली ही गेंद पे डैरन मिचेल ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिया और मैच में एक बार फिर से रोमांच आ गया। उसके बाद अक्षर पटेल आए और उसकी अगली गेंद वाइड हो गई, अब चाहिए थे टीम इंडिया को 4 गेंद में 4 रन। देन अक्षर पटेल ने एक सिंगल लिया, अब चाहिए थे 3 गेंद पे 3 रन और अगली गेंद पे ऋषभ पंत ने आगे बढ़ के एक शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस तरह से पहले मैच में, इस श्रृंखला के पहले मैच में टीम इंडिया को शानदार 5 विकेट से जीत प्राप्त हुई और टीम इंडिया का एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हो गया इस जीत के साथ। तो दोस्तों, इस मैच में ये सब हुआ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपने पर्याय ख्याल रखें और इस चैनल को कंटिन्यू सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।